हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आशीष हाजिर एक नई क्लास लेकर के। आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 20 जनवरी को जो पेपर होने वाला है 2024 में। दोस्तों 2024 में आपका 20 जनवरी को पेपर होने वाला है। दोस्तों बार बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जो 20 जनवरी को पेपर आपका होने वाला है, यह एंट्रेंस एग्ज़ाम नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसको पास करके बच्चे अपने एडमिशन को निश्चित करते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 में अपना एडमिशन पाते हैं, क्लास 5 के बच्चे इसको देते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं और आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस मामले में कि पेपर भी काफ़ी नज़दीक है और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि इसमें 3 खंड हुआ करते हैं। हम पहले अनुभाग से स्टार्ट करते हैं। पहला अनुभाग हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण का, दूसरा हमारा मैथ का होगा और तीसरा हमारा हिंदी भाषा का होगा। तो आइए करते हैं अनुभाग एक। अनुभाग एक में हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षण से दिए गए हैं। जैसा कि आप कह रहा है, देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ABCD के रूप में दी गई हैं। इन आकृतियों में 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं आकृति भिन्न। मतलब सिंपल सी बात, आप इसको समझ जाइए कि यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है कि इसमें जो 3 आकृतियाँ हैं, आप ये कहना चाह रहा है कि इसमें 3 आकृतियाँ एक समान है और चौथी आकृति थोड़ी आपकी भिन्न होगी। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। एक टाइप के 4 प्रश्न हुआ करते हैं, आपको अच्छे से ये जानकारी है। आइए देखते हैं। पहला देख पाएंगे, विकल्प एक त्रिभुज बनाया उसके अंदर वृत्त है, एक वृत्त बनाया उसके अंदर चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज बनाया है उसके अंदर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज चतुर्भुज बनाया उसके अंदर त्रिभुज है। सारे फिगर में देखेंगे तो कुछ अलग है, लेकिन विकल्प नंबर सी को देखिए, जो फिगर है सेम वही फिगर उसके अंदर बना दिया है। तो ये इसकी जो समानता है कि जो फिगर बाहर है वो अंदर अलग फिगर है। जैसे इस पहले वाले में त्रिभुज है तो अंदर वृत्त है, लेकिन दूसरे वाले में बाहर त्रिभुज है, वृत्त है और अंदर आपका चतुर्भुज दिया गया है, लेकिन सी फिगर में सेम दोनों फिगर हो गए, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत आसानी से देख पाएंगे कि सारे फिगर में जो दिए गए हैं आकृति, ये बीच वाली जो आपको इस प्रकार से आकृति दिखाई दे रही है, सब में समान दिखाई दे रही है, लेकिन विकल्प नंबर सी एक बार फिर राइट हो जाएगा क्योंकि ये अलग लग रहा है। विकल्प नंबर सी को देखा जाए तो यहाँ पर फिगर को पलटा गया है। जैसे इस फिगर को अगर सीधा कर दिया जाए तो ये एक वृत्त बनेगा, इसको सीधा कर दिया जाए तो ये एक चतुर्भुज बनेगा, या इसको सीधा कर दिया जाए ये भी चतुर्भुज बनेगा, लेकिन ये क्या फिगर किया गया है, ये सेम फिगर है, सेम फिगर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख दिया गया है, तो ये विकल्प नंबर बी इस बार आपका राइट होता नजर आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले टाइप का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है देख पाते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक आपका चतुर्भुज है, एक वृत्त है, एक फिर चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है। मतलब ये वाली जो पहली फिगर है आप देख पा रहे होंगे ये भुजाओं से बना हुआ है, ये भी भुजाओं से बना है, साइड है, इसमें भी साइड है, लेकिन इसमें कोई साइड नहीं है, एक कर्व के आकार का फिगर है, इसमें किसी साइड की आवश्यकता नहीं, तो इस मामले में ये क्या हो गया, इस बार भिन्न हो गया। आइए हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं प्यारे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में होगा क्या, पहले तो ये जाने हम। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर ABCD दिए गए हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि रूप में दी गई है, आकृति को पता लगाइए पूर्णतः प्रश्न के समान है, मतलब इसमें समान आकृति ढूंढना है ना, जैसा इधर है वैसा ही उधर है, तो काफ़ी आसान हो गया इस मामले में, तो काफ़ी आसान हो गया क्योंकि समान अब सेम चीज़ ढूंढना है, कहीं बहुत सारे लोग हों उसमें आपको समान चीज़ें ढूंढनी हो तो काफ़ी आसान होती हैं। जैसे आप देख पाएँ कि यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ, ऐसा फिगर आपको किस आकृति में दिखाई दे रहा है, तो आप देख पाएंगे कि ऐसा फिगर थोड़ा सा देखिए, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट यहाँ पर हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि आसान है तो देख करके तुरंत सेम छाटना है तो बता पाएंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे सेम आकृति यहाँ पे छाटने की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फिर एक बार देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
ये तो हो ही नहीं सकता प्यारे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों कुछ थे, लेकिन इसमें ये वाली लाइन जो ऊपर ये बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आप देख रहे हैं, ये तो कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा, और ये बीच में लाइन, ये लाइन जो खींच दिया है इसकी वजह से ये भी नहीं होगा, तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, और इसको सेम छाटना है, तो सेम छाटने की अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो इसमें विकल्प नंबर आपका ए तो होगा नहीं, आप देख पा रहे हैं एक में कुछ इस प्रकार से बना हुआ। विकल्प नंबर बी को ध्यान से देखिए, विकल्प नंबर बी आपका राइट होता नजर आ रहा है, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी को आप कह सकते हैं कि विकल्प क्या है, राइट है। अब आइए हम तीसरे टाइप के अपने देखते हैं, खंड 3 इसमें, मतलब तीसरे टाइप के प्रश्न को। तो तीसरे टाइप के प्रश्न में करना क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं ओर 4 उत्तर ए बी सी डी दिए गए हैं, आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के दिए गए टुकड़ों से बनाए। मतलब अब आप हमको समझ पा रहे हो कि इसमें कई ठो टुकड़ा दिया गया है। जैसे देखिए नवा प्रश्न को ध्यान से देखिए, तो इसमें कई टुकड़े दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांच टुकड़े दिए गए। इन पांचों टुकड़े से इसमें कौन सा फिगर बनेगा उसको आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, पांचों टुकड़े में दो ये जो छोटे टुकड़े हैं, पहले फिगर में देखिए यहाँ पर दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, और ये आपका जो बड़ा वाला टुकड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये तो यहाँ पर दिखाई दे दिया, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला, तो एक किनारे दिखाई दे दिया, और बीच में जो है ये वाला। इसका मतलब विकल्प नंबर ए ही आपका राइट होने वाला है, किसी को देखने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। आइए विकल्प क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं फिगर को बड़ा भी कर दे रहा हूं, थोड़ा छोटा लग रहा है तो बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, 1, 2, 3 ठो आपको दिखाई दे रहे हैं आयत, तो तीन आयत आपको किसमें दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर सी में, ध्यान से देखिए 1, 2, 3, और ये जो बगल वाले दोनों फिगर दिखाई दे रहे हैं, यहां पे ये दिखाई दे रहा है और यहां पर ये दिखाई दे रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे क्लियर। आइए विकल्प नंबर सी आपका राइट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 को देखते हैं, तेज गति से थोड़ा चलेंगे दोस्तों, आसान क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वीडियो पूरा देखा करिए, आधा अधूरे ज्ञान से मतलब नुकसान ही होता है, फायदा नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए ना, आधा ज्ञान होता है जैसे गगरी आधी भरी रहती है तो छलकती है, छलकती है का मतलब संतुष्ट नहीं होती है ना, और वही पूरा ज्ञान होता है तो देखते हैं, गगरी अगर पूरी भरी होती तो कहीं भी छलकती नहीं है, तो आपको बेचैनी नहीं होगी अगर पूरा ज्ञान होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बहुत सारे फिगर इसमें दिखाई दे रहे हैं, दो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये बहुत, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, ये सारे फिगर आपको नजर आ जाएंगे, थोड़ा गौर करिए। ये जो दोनों फिगर दिखाई दे रहे हैं ये वाले, तो आपको देखिए विकल्प नंबर यहाँ पे बी हमको राइट लग रहा है बिल्कुल, और ये वाला फिगर भी आपको यहाँ पे, दोनों बिंदु भी यहाँ पे हैं, और ये साइड से आपका देखेंगे ये वाला साइड यहाँ पे और ये वाला साइड नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और बगल वाले जो दोनों हैं ये दोनों, तो ये दोनों आपके इधर और इधर नज़र आ रहे हैं, तो विकल्प नंबर बी एक बार फिर राइट हो जाएगा किस क्वेश्चन में भाई, 11 क्वेश्चन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में डी वाला विकल्प आपका राइट है, बिल्कुल देख रहे हैं डी वाला विकल्प, 1, 2, 3, 4 चार ठो बना हुआ है, इसमें एक ठो बड़ा हुआ है, ये वाला बड़ा है तो ये बड़ा वाला यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, बकिया तीन एक समान जैसे लग रहा है तो इधर एडजस्ट हो जाएंगे, विकल्प नंबर डी आपका एक बार फिर राइट हो जाएगा। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन में क्या करना है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए आकृति ढूंढनी है, अगले टाइप क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आकृति ढूंढनी कि वो आकृति किस में पूर्ण करेगी ना, ये किसको पूरा करेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होगा क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखने की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 की आकृति पूरी होती नजर आ रही है आपकी, किससे पूरी होती नजर आ रही है आपकी, विकल्प नंबर सी से। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, देख रहे हैं ये वाली आकृति यहाँ पे अगर ये पूरी कर सकती है तो ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं किस आकृति को पूरा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख पा रहे होंगे कौन सी आकृति इससे पूरा होगी, कहाँ पे एडजस्ट होगा, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें आप तो ये चीज़ एडजस्ट होती नजर आ रही है, थोड़ी पतली है, ये थोड़ा तो मोटा लग रहा है ना, यहाँ पे विकल्प नंबर डी को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें एडजस्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर डी राइट लग रहा है, ठीक है।
और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन को एडजस्ट करने वाला विकल्प कौन सा है? हमें तो लग रहा है कि विकल्प ए राइट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ए विकल्प राइट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और क्वेश्चन नंबर 16 को भी एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा सही है, कौन विकल्प राइट होता नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे तो पहला ही है, बाकी तो कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहा। बी वाला भी है कुछ, बट ए वाला सबसे उचित है क्योंकि इसमें ये वाला बहुत छोटा दे दिया है ना, तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं, और अगला खंड आपका पांचवा होगा। इसमें क्या करना है जरा देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है, और ए बी सी डी उत्तर आकृति को देखिए, आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति को गायब भाग में ठीक बैठ जाए। ठीक है भाई, समस्या आकृति की दिशा नहीं बदलनी है। ठीक है, हम ढूंढ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे है। अब इसमें कौन आके एडजस्ट करेगा ना, तो आप देखना कौन आके एडजस्ट करेगा। पहला तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें बीच में एक लाइन आ गई। ठीक है, बीच में जो लाइन आ गई ये इसको गलत कर दे रही है। ठीक है, विकल्प नंबर बी हमको राइट लग रहा है, क्योंकि इसमें देखिए ये जो ऊपर से ऐसे लाइनें हैं वो लाइन भी यहाँ पर नजर आ रही है और किनारे भी नजर आ रहे हैं, तो विकल्प नंबर बी आपका 17 का राइट हो जाएगा। प्यारे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा विकल्प राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखेंगे तो हमें लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 का ये वाला राइट है, क्योंकि इसमें बीच में पार्ट नहीं है। बीच में जो पार्ट है भी वो केवल ये बीच में एक जगह है और इधर कहीं नहीं है, तो विकल्प नंबर 18 का ए राइट होता नजर आ रहा है। 18 का ए विकल्प राइट होता नजर आ रहा है प्यारे, 18 क्वेश्चन का ए विकल्प। थोड़ा सा देखते हैं एक बार, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? जी गलत नहीं होना चाहिए, बस 18 का ये, जी बिल्कुल 18 का ये विकल्प हमारा यहाँ पे नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर को देख के नहीं एडजस्ट, ये इससे एडजस्ट है, हमको इसको इससे एडजस्ट करना। यहाँ पे एक गलती हो जाती है, ध्यान से देखिएगा फिर से, ये वाला फिगर इससे मिलता जुलता है लेकिन ये वाला फिगर इससे हो जाए, कि ऊपर ऐसा था ये वाला फिगर, चारों फिगर एक जैसे थे चारों खाने में, तो अगर इससे मिलता जुलता होगा दोस्तों तब तो ये दोनों गलत हो गए। अब यहाँ पे दोनों को देखते हैं, यहाँ को दोनों को देख देंगे तो ये वाली चीज़ आके ऐसे मिल जाएगी, मतलब विकल्प नंबर सी राइट होगा तब। ठीक है, विकल्प नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ है? विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जी बिल्कुल, विकल्प नंबर सी राइट होगा, वहाँ पे गलती हो गई, एक बार ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 कौन पूरा कर रहा है जरा ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, फिर ये दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर भी बीच में वृत्त ही होने वाला है, तो वृत्त ही होने वाला है क्योंकि ऐसे ऐसे फिगर मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है तो ये इससे मिलेगा। ठीक है, तो वैसा मुझे किस विकल्प में दिख रहा है? भाई ये तो खत्म है, तो बहुत बड़ा दे दिया है, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो फिर विकल्प नंबर कौन बचा? डी बच गया, राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 20वां भी कुछ भरने के लिए दिया हुआ है, पहले वृत्त है फिर आपका दिया, मतलब कौन गायब है, तीन फिगर है, हर लाइन में तीन फिगर है ना, वृत्त दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है और त्रिभुज दिया हुआ, तो इसमें कौन गायब है? क्रॉस गायब है, तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर ए राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए दोस्तों, 40 में से 20 हमने कर लिया है, अब आगे के 20 क्वेश्चनों को देखने की बारी है। और अगला टाइप तो देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये किस पे है, मिरर इमेज है। क्या है दोस्तों? मिरर इमेज है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मिरर इमेज के क्वेश्चन आ गए आपके सामने, तो इनको हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं मिरर इमेज के प्रश्नों को। तो क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन में मिरर इमेज करेंगे तो ये पलट जाएगा, पलटेगा तो यल भी पलटेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यल इधर पलटा है, ठीक है, समय पलटा, एक में सीधा है तो इसको हम काट देते हैं, ये विकल्प हो नहीं सकता। ठीक है, ये विकल्प हमारा हो नहीं सकता। अब विकल्प तीन ठो बचे हुए हैं, इसके बाद दूसरे में देखा जाए तो ए को पलटेगा तो भी सब सेम रहेगा। अब इसमें यन को नहीं पलटा है तो ये भी गलत है, इसमें तो यन को पलटे हुए हैं, ए राइट है। ठीक है, अब टी भी है तो टी को इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे यन ए एल हो गया, टी को इसने पलट दिया है, बुरा देखिए उल्टा कर दिया है ना,
सर ऊपर पैर नीचे कर दिया और इसमें बी वाला विकल्प हमको राइट लग रहा है ना, पलटना नहीं होता है ना। जैसे अब टी ऐसे है तो इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कब होता है? वाटर इमेज में होता है, मिरर इमेज में ऐसा नहीं होता। तो इसमें कर दिया, विकल्प नंबर बी आपका 21 का क्या होता है नजर आ रहा है सही। 22 देख लेते हैं, 22 को देखेंगे तो इसमें अगर मिरर इमेज की बात करें तो 22 में हमारा मिरर इमेज अगर पलट देंगे इस फिगर को, दायां का बायां, बायां का दायां होता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी हमको सुटेबल लग रहा है, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जी बिल्कुल सही है विकल्प नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, सामने ही दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमको जो सही नहीं है तो वो तो ये गलत हो जाएगा, सी भी गलत है, लेकिन हमको बी और डी में क्लियर करना है कौन सा राइट है। और मुझे फिलहाल देखने से तो दोनों सही लग रहे हैं, दोनों सही लग रहे हैं, कुछ परिवर्तन तो नहीं लग रहा है दोनों में, कुछ परिवर्तन हमको नहीं लग रहा। लेकिन फिर अब विकल्प बी पहले आया है तो हम बी को राइट कर लेते हैं, लेकिन डी में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम जैसा मुझे दिख रहा है फिलहाल। तो कभी कभी होता है, प्रैक्टिस सेट है, इसमें बनाने में फिगर में थोड़ी हो सकता है कि गलतियाँ, ऐसा पेपर में भी कभी कभी आ जाता है। तो जो पहले विकल्प सही होता है उसी पे हम राइट का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 23वां क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि दो दो विकल्प सही हैं, तो जो पहले विकल्प आया है और सही है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा कौन सा सही होगा, सेम अगर हम पलटे तो ये चीज़ें उधर चली जाएंगी और ये विकल्प नंबर सी को देखिए, विकल्प नंबर सी हमको राइट होता नजर आ रहा है, ठीक है, बायां का दायां, दायां का बायां करेंगे तो विकल्प नंबर सी हमको सही नजर आ रहा है। यहां पे तो डबल लाइन आ गई, ये होगा नहीं। और विकल्प नंबर अगर हम यहां से तो सिंगल लाइन कर दिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है, यहां पे सिंगल लाइन कर दिया तो ये भी नहीं होगा। अगर विकल्प नंबर ए को देखें, ए और सी में ही सही हो सकता था, तो ए में क्या गलती कर दिया है भाई, ए में कुछ गलती किया है कि जो बनावट है फिगर की वो बनावट थोड़ी सी डिफर नज़र आ रही है क्या, अगर इधर की तरफ पलटेंगे तो भाई बहुत अंतर तो नज़र नहीं आ रहा है प्यारे। 22वां में फिर एक बार कन्फ्यूजन की स्थिति हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 का दर्पण प्रतिबिंब विकल्प नंबर अगर हम ए और सी को देख रहे हैं तो दोनों हमको एक जैसा नज़र आ रहा है, नहीं जी बिल्कुल, इसमें ये पलट दिया ना तो ये अलग हो गया, विकल्प नंबर सी राइट है। आइए आगे देखते हैं, और आगे हम आठवें टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ठीक है आठवें टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 25 से आगे। अब इसमें क्या करना है पहले तो ये समझ लीजिए, इसमें करना है प्रत्येक प्रश्न में तीन समस्या, चौथी स्थान पर एक प्रश्न सूचक शब्द बना हुआ है, पहली दो समस्या आकृति में परस्पर संबंध, मतलब शुरुआत की जो दो ठो हैं इसमें कोई संबंध है वही संबंध आगे में कर देना है, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई, आइए देख लेते हैं इसको, चलिए देख लेते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इससे ये क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा छोटा हो गया, सेम फिगर है थोड़ा छोटा है, इससे थोड़ा छोटा फिगर मुझे चाहिए, तो विकल्प नंबर डी राइट हो गया। अब यहाँ पे संबंध ढूंढते हैं, या अंदर एक त्रिभुज बन गया है और वो क्या है, थोड़ा काला हो गया है, अंदर चतुर्भुज था अंदर त्रिभुज बन गया, ए पंचभुज है तो अंदर चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज काला तो विकल्प नंबर कौन हो जाएगा, ए राइट हमको नजर आ रहा है कि विकल्प नंबर ए 26 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे। 26 का विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए। आते हैं आगे देख पाते हैं, यहाँ पे तीन ठो तीर का चिन्ह है और इसमें ऊपर वाले तीर की चिन्ह का दो ठो बढ़ा दिया, मतलब 3 2 5, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी दो ठो बढ़ा देगा तो 4 2 6 हो जाएगा, विकल्प नंबर सी राइट हो गया, बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और 28 का देखते हैं कि कौन सा राइट हो रहा है, तो हो क्या रहा है इसमें, आप एक बार देखें इसे पूरा, हमें लग रहा है कि ये एक बार फिगर को घुमा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या, देखिए ध्यान से, इसको इधर की तरफ अगर एक बार घुमा दे और ये ऊपर हो गया है नीचे, अगर इसको भी इधर की तरफ एक बार घुमा दे तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, और विकल्प नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 28 का विकल्प नंबर ए आपका सही होता नज़र आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 हमारा खंड किससे होगा, 8 से, अभी हमारे पास खंड 8 को छोड़ के दो खंड और है, ध्यान से देखिएगा। आते हैं
29 का देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर चार उत्तर आकृति ए बी सी डी दी गई है। आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। ओ, छिपा हुआ है, मतलब ये आकृति उसमें छिपा हुआ है, थोड़ा गौर करिएगा। अब हमको ये चाहिए इन 8 जैसा जो आकृति है, तो सब में दिख रहा है, सब में दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। और ये डबल चिन्ह, डबल चिन्ह किस में है ये भी देखना है ना, तो डबल चिन्ह तो इसमें है नहीं, तो ये तो कट गया। डबल चिन्ह आपका इसमें है लेकिन उल्टा है, तो ये भी कट गया। डबल चिन्ह इसमें है लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो ये भी कट गया। तो विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा कौन सा सही हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा सी सही हो रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर डी की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर डी में हमारा कौन सा सही हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर डी में हम देखें तो विकल्प नंबर सी एक बार फिर हमको सही होता नज़र आ रहा है, विकल्प नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखें तो कौन सा सही हो रहा है, तो एक बार फिर मुझे बी वाला विकल्प राइट लग रहा है ना, 32 का कौन सा, बी वाला विकल्प। कैसे भाई, देखेंगे ये यहाँ से एक लाइन जो आई हुई है, ये लाइन थोड़ा सा इधर जाके सीधा हो गई है ना, ना तो वैसा ही कुछ लग रहा है, यहाँ पे ये आ गया और ये पूरा जाके ऐसे ऐसे बैठ सकता है, तो ये आकृति नज़र आ रही है। आगे आते हैं और टाइप अपना देखते हैं हम, 9th नवा खंड देख लेते हैं और इसमें भी देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। इसमें 33 प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है, चौथे के लिए स्थान रिक्त दिया गया है। समस्या आकृति में एक श्रृंखला में ढूंढिए, मतलब समस्या आकृति एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला के तहत, जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर तीर का चिन्ह लगाया है, अगले फिगर में क्या किया, तीर का चिन्ह यहाँ पर एक ठो बढ़ा दिया है, और यहाँ जो आगे लगा हुआ था कैप उसको तीर के चिन्ह में बदल दिया है, तो आगे भी कैप लगा हुआ है, यहाँ पे एक तीर का चिन्ह बढ़ जाएगा और विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी, बिल्कुल सही है। 33 का सी, विकल्प नंबर सी आपका राइट होगा 33 का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे दो, एक युग्म गायब किया है, एक युग्म में यहाँ वाला क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। आगे क्या किया है, यहाँ वाला युग्म मतलब पीछे वाला ये गायब कर दिया है, ठीक है, पीछे वाला यहाँ से गायब कर दिया है। अब आगे क्या करेगा, इसको गायब कर दिया, इसको कोई एक फिर गायब करेगा, मान लीजिए इसको गायब कर देता है, तो ये बचेगा और विकल्प नंबर हमारा कौन सा, सी राइट हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, इसमें पूरा गायब है, इसमें दोनों है, इसमें ये, तो होगा नहीं, तो विकल्प नंबर सी ही आप राइट कर लेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 देखने की बारी है। आइए, क्वेश्चन नंबर 35 में तीर का चिन्ह है, आप इसको ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, बस केवल और केवल एक बार आपको 45 डिग्री पर ना, 45 डिग्री आप जानते हैं, 45 डिग्री आपको एंटी क्लाक घूम जाना है, एंटी क्लाक। तो ध्यान से देखिए, ये वाला फिगर अगर 45 घुमा तो इससे ये मिल गया, अब आगे अगर इसको घुमा दिए 45 तो ये मिल गया, इसको 45 घुमा दे तो कौन सा मिल जाएगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या है, वृत्त तो सब में नज़र आ रहा है, अब फिगर को क्या किया है, 90 डिग्री घुमा दिया है, फिगर को क्या किया है, 90 डिग्री घुमा दिया है, और कौन से क्लाक में, क्लाकवाइज, किस तरह से घुमाया है, क्लाकवाइज, तो तीर का चिन्ह इधर, ये इधर, फिर इधर घूमेगा। अब अगर आप घुमा देते हैं तो तीर का चिन्ह नीचे की तरफ आएगा, विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लास्ट टाइप हमारा रीजनिंग का, 4 क्वेश्चन जो खंड 10 से बचे हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर समस्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़ करना, मोड़ने वाला है, तो ठीक है आप समझ गए क्या करना है, बस यही समझिए। आइए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा काट दिया है, देख पा रहे हैं, अगर ये छोटा सा काटा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि ये जब इधर की तरफ खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा तो यहाँ पर भी बनेगा, मतलब इस टाइप से फिगर विकल्प नंबर सी में ही लग रहा है, और ये लाइन तो बिल्कुल क्लियर रहेगी ऊपर तक, तो विकल्प नंबर सी में ये फिगर आपको आ रहा है क्या, विकल्प नंबर सी,
37 क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। 38 में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है यहाँ पर, और इसको मोड़ा चुकी इधर के तो खोला इधर को जाएगा, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इनके बगल में ही रहेगा, मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसमें स्पष्ट कि एक बार और, यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु, तो ये अगर ये दोनों बिंदु यहाँ पर बनते हैं तो ये पूरा खुल गया, मतलब एक पार्ट। अगर अब फिर इनको पूरा, अब आधा चूंकि इतना है, अब इधर को मुड़ा है तो इसको हम इधर को अगर एक बार और खोलेंगे तो ये दोनों बिंदु जो आपके बने हुए हैं आप देख रहे हैं ये कोने की तरफ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बनेंगे एक और यहाँ पर बनेगा ये वाला दोनों बिंदु, और ये वाला दोनों बिंदु आके आपके क्या करेंगे इस कोने पर बनने की कोशिश करेंगे। और ऐसा मुझे विकल्प नंबर सी और डी, ए और बी तो बिल्कुल गलत है, मुझे सी और डी में नज़र आ रहा है ना, सी और डी में नज़र आ रहा है, ये काफ़ी नज़दीक नज़दीक हैं, ये वाले इसमें देखिएगा ध्यान से, ये काफ़ी नज़दीक नज़दीक है और इसमें देखिए किनारे किनारे पे दिया हुआ, विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम ध्यान से देखें तो पहली चीज़ ये है कि बीच में ये नहीं बनेगा वर्ग जो ए बीच में आया, ये नहीं बनेगा, तीर्षा बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब विकल्प नंबर बी और सी में हमको देखना है कि सही क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, इसके ठीक ऊपर है, इसके ठीक ऊपर है, ये भी सही है, इसके ठीक सामने है, इसके ठीक सामने है, ये तो सब सही जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा समझने की बात है कि गलत कहाँ से होगा, हाँ नहीं, विकल्प नंबर सी नहीं सही लग रहा, क्यों थोड़ा सा देखिए, इसमें जो ये बना दिया है ना, ये देखिए इसके ऊपर जो बनाया है ये बिल्कुल सीधा सीधा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे है और ये बनेगा ऐसे, तो नुकीला वाला पार्ट ये बीच वाले पार्ट के ऊपर होगा, तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट होगा, इस सी वाला इस वजह से गलत हो गया। क्लियर हुआ, एकदम बिल्कुल महीन बात जो गलतियाँ हैं वो मैं बता पा रहा हूँ आपको। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 40 को समझते हैं। 40 में यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं दो हैं, यहाँ पर अगर इसको हम इधर की तरफ खोलें तो ये तो हमको तो लग रहा है कि 40 में डी के अलावा कोई सही ही नहीं लग रहा है मुझे, तो डी विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से रीजनिंग के हम 40 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, रीजनिंग के हम 40 प्रश्न देख पा रहे हैं ना, रीजनिंग के हमने 40 के 40 देख लिए। अब इसमें आपके कितने सही होते नज़र आ रहे हैं वो आप कमेंट करके बताएं। आगे चलते हैं और दूसरा पार्ट देखते हैं मैथ का। मैथ में भी टोटल दिए गए यहाँ पर होंगे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे आइए मैथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैथ का पहला क्वेश्चन। ओके, मैथ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 20.2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20.2 और 18.01, 18.01, हमने बार बार कहा है कि गुणा करने की बात कही जा रही है, तो परिणाम को गुणा किया जाता है और परिणाम को दशमलव के बिना निकटतम पूर्ण संख्या, गुणा तो करना पड़ेगा, गुणा से पहले इसको हम निकटतम में नहीं बदलेंगे, पहले गुणा करें, तो 1 2 2 ध्यान दीजिएगा, 100 1 2 2, अगर हम इसे करें तो 0 का हो जाएगा 0, 0 2 2 0 सुनाई सुनना और 0 2 0, 8 का करेंगे 8 2 16 और 8 0 1 8 2 16, इसके बाद मुझे 1 से करना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 2, सॉरी यहाँ पे हम छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे अब ये पीछे की जगहों को हम 0 से भर देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, तो 1 2 2 1 0 0 और 1 1 1, अब हम इसको उसको क्या करना है जोड़ना है, अगर जगह नहीं होगी तो बगल में जोड़ लेंगे, वैसे यहाँ पे है 0, अरे सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 6 2 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जा रहा है यहाँ पे लास्ट में देखिए ये गुणा यहाँ पे गलत हुआ है, 1 2 यहाँ पे क्या होता है 2, तो 2 1 3, ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब आ रहा है आपका 36। हाँ ध्यान दीजिए अभी तो दशमलव लगाना बाकी था, तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की लाइन में यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, तो कुल मिला के हो जाएंगे 3 अंक पे दशमलव, तो 1 2 3 तीन अंक के बाद लगा दिया, तो आंसर 363.8
0.802। अब हमको चूंकि इसे बिना दशमलव के लिखना है तो दशमलव के जस्ट बाद वाला पहला नंबर यदि 5 या 5 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 5 या 5 से क्या होगा, ज़्यादा यदि होता है तो उसके पहले वाले अंक को एक बढ़ा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 363 की जगह 364। अब ढूंढिए, आपके विकल्प में कहीं दिया है 364, जो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट होगा 364। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या पंक्ति एक निश्चित पैटर्न पे है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे 42 को, ठीक है। प्रत्येक संख्या पंक्ति एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है। इस पैटर्न का अगला क्या हो, देखिए 25 है, 25 से 26 हुआ, 26 से 27, तो 27 से क्या हो जाएगा 28, देख रहे हैं 28। अब यहाँ पे 25 दूना के 50, तो 28 दूना के 56, दूसरी लाइन में 56। अब ये 50 के बाद 3 बढ़े हैं, ये 52 के बाद 3 बढ़ा है, 54 के बाद 3, तो ये भी 3 बढ़ा दीजिए तो 59। मतलब क्या, 28 56 59, ढूंढिए भाई 28 56 59, जी विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन देख रहे हैं, 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, बीमाओं 40 मीटर × 60 मीटर वाले कितने आयताकार प्लाट एक आयताकार मैदान जिसकी बीमा 120 मीटर इतना में से काटे। मतलब ये आयताकार प्लाट है, बड़ा प्लाट है, ठीक है। अब चूंकि प्लाट है तो उस प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस प्लाट के आकार का हम टुकड़ा काट काट के निकालना है। तो भाई बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के और छोटे वाले के क्षेत्रफल ओए छोटे वाले के क्षेत्रफल से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे जब हम कर रहे हैं 2020 से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ पे 6 से तो कट नहीं रहा, तो 3 से काट देते हैं, 3 दूना के 6 और 2 से काटेंगे तो 2 8 16। मतलब आंसर कितना आ रहा है, 8। तो विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा डी राइट, 8 राइट हो जाएगा। मतलब 8 टुकड़े उस आकार के 40 × 60 आकार के 8 टुकड़े आयताकार उसमें बनाए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा अब होगा 44। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 44 क्वेश्चन, आइए 44 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो हमने आपको बताया बहुत अच्छा मेथड यन ए टी, जहाँ पे यन हमारा नंबर होता है, ए हमारा औसत होता है, टी हमारा टोटल होता है। भाई आप लिखते भी तो हैं कि औसत बराबर आप लिखते हैं संख्याओं का योगफल, मतलब उसी को कहते हैं टोटल, और बटा क्या लिखते हैं, संख्या। तो इसी से सूत्र बन गया है कि ए, यहाँ पे देखिए यन को लिख दिया गुड़े ए, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल टी के क्या होगा, बराबर होगा। तो नंबर का मतलब होता है कि कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं। ए का मतलब औसत, 30 औसत है, तो टोटल कितना हो जाता, 120। अब आगे की बात सुनिए, कह रहा है यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85, लीजिए टोटल योग चारों का आपका आ गया 120, लेकिन 3 का इसमें से 85 दिया है, तो 85 3 का घटा देंगे तो चौथी का पता चल जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 में से 8 गया 3, तो 35 विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 45, एक लड़का 9:45 बजे रात्रि को सोया, अगर 9:45 बजे सोया है और अगली प्रातः 5:30 पे जगा है, तो 9:45 पे सोया, अगर 15 मिनट के बाद हो जाएगा 10 और 10 के बाद 2 घंटा और ले लें तो हो जाएगा 12, मतलब रात का 12 बजने में 2 घंटा 15 मिनट का समय और सुबह 5 बजे, 12 के बाद तो सीधा सीधा 1 2 3 4 5 बजेगा, तो 5 घंटा 30 मिनट, ये 5.5 घंटा अगर इसको हम जोड़ दें तो ये 5 3 1 4 5 2 7, 7 घंटा 45 मिनट वो लड़का सोया था। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे आप समझ पाए, पहले हम 9:45 से 12 तक पहुंचने में देखे कितना समय लगा, पहले मुझे 12 तक पहुंचना था कि 12 बजे में कितना लगा, फिर उसके बाद तो जितना बजेगा उतना घंटा हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। इस प्रकार से 7 घंटे 45 मिनट हमारा आंसर हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों, हाँ
ये हमारा अब होगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, तीन घंटियां एक साथ 8:30 बजे बजी, 8:30, ठीक है, टाइम को पता है। यदि वह प्रत्येक 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं, कब मिनट भाई, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, तो इन तीनों का मुझे लगाना है लसा, क्या निकालना पड़ेगा लसा। तो 4, 5, 6 का जब लसा निकालेंगे तो ये लसा आपके आ जाएंगे 60, और 60 क्या मिनट, तो ये बताइए मुझे कि 60 मिनट में कितने घंटे, एक घंटा, क्योंकि 60 मिनट एक घंटा के बराबर होता है। अब 8:30 पर बजी ही थी, एक घंटा बाद यदि फिर बजेगी तो 9:00 क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। क्लियर है, आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 47 हम देखेंगे तो क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपया में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ, भाई लाभ कितना हुआ, 900 रुपया में खरीद कर 1200 में बेचा तो 300 रुपया का लाभ हुआ। अगर 300 रुपया का लाभ हुआ तो हम देखेंगे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने पे हुआ, 900 पे हुआ, ठीक है, गुणते यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, क्लियर है, 900 पे ही हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 3 3 के 9 और 3 से काटेंगे तो होगा 100, अगर 3 से भाग 100 में देंगे तो क्या आएगा, 33 सही, 1/3 विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 48 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 48 में हमें ये देखना है कि निम्नलिखित ग्राफ में वह वर्ग बताना है, मतलब ये वर्ग जो बने हुए हैं अलग अलग यहाँ पे, इसमें वो कौन सा वर्ग है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे से आधी है। कहने का मतलब ये 40 है, इसका दुगुना कहीं या इसका आधा कोई है, अगर दुगुना होगा तो ये आधा हो जाएगा और आधा होगा तो ये दुगुना हो जाएगा, तो 20 तो कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे 30 दिया है और 60 भी है, तो इसका मतलब ये वाला है ना। तो वह ग्राफ बताना जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे की आधी है, तो बी ग्राफ में ई ग्राफ से आधी है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि उसी में बी दिया भी है। आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें दिया है कि 0, 1, 2, 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक दिए गए हैं, इनसे बनाना है सबसे छोटी। भाई पता है 0 को पहले नंबर पे नहीं रख सकते, जब भी छोटी संख्या बनानी होती है दूसरे नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर पे 0 से जो बड़ा होता है, और यहाँ पे 2 और 3 आप देख पा रहे हैं। तो बताइए 1023 आपका विकल्प नज़र आ रहा होगा कहीं, और 1023 आपका विकल्प नंबर ए है जो कि सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब ये 70,707 है, ये भी 70,077 है, ये 70,770 है, ये तो काफ़ी दोनों बड़े हो गए। अब ये एक ठो बच गया, ये तो 70,070 है, तो मतलब विकल्प नंबर आपका ये 70,070 ये सही है। अब किस में दिया है 70,070, विकल्प नंबर डी में दिया है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे, दो संख्याओं का योग है, ये दो संख्याओं को जोड़ने पर कह रहा उनमें से एक संख्या 9999 है तो दूसरी क्या है, मतलब ये दोनों का जोड़ है, अब एक ठो दे दिया है तो दोनों के जोड़ में से अगर एक ठो घटा दे तो दूसरी अपने आप पता चल जाएगी, तो घटा देते हैं 11009 और इसमें से घटाना कितना है 9999। क्लियर है, तो 9 में से 9 जाता 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 1010 आपका आंसर विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखेंगे, 52। क्वेश्चन नंबर की बारी आ गई 52 की। आइए क्वेश्चन नंबर 52 में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 52 में 5.125 को भिन्न में बदलना, मतलब दशमलव को भिन्न में बदलना, काफ़ी आसान है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत बार आपको इसको समझाया है कैसे बदलेंगे, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। अगर दशमलव के पहले कोई नंबर है तो जो पहले है उसको होल में लिखिए सही बटा में, और दशमलव के बाद जो है पूरे नंबर को लिखिए, दशमलव को भूल जाइए, और दशमलव जहाँ पे था, जैसे यहाँ पे दशमलव है तो इसी के ठीक नीचे 1 और उसके बाद ज अंक है तैठो 0, 3 अंक 3 0, 25 से काटेंगे 25 25 125 और एक कटेगा 25 4 140, 5 1 5 5 5 8 40, तब 5 सही 1/8 आपका जवाब हो जाएगा, 5 सही 1/8, तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर अब 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें ये एक तरह का भिन्न का जोड़ है, आप समझ पा रहे होंगे भिन्न का जोड़ सबको आता है, और ये भिन्न का जोड़ में बोला है 2/9 है
प्लस 4/3 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 6/18। अगर एलसीएम लेने की कोशिश करें तो 18 ही आएगा और 9 से भाग देंगे तो 9 × 2 = 18, 2 × 2 = 4, 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24 और 18 × 1 = 18, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 10 और 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, 34/18। अगर 2 से काटे तो 17 × 2 = 34 और 2 × 9 = 18, 17/9 अगर आंसर है तो ठीक, वरना होल में चेंज कर देंगे जी, 17/9 है विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 10 मीटर यहाँ पे लिखा है कि 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। भाई जो है वो ऊपर कितना का पूछा है, 10 किलोमीटर का, ये तो मीटर था, ये किलोमीटर का पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। घुड़सवारी हम जरूर करेंगे लेकिन जब तक ये दोनों एक पैमाना में नहीं होंगे नहीं हल कर सकते। तो अब इसको एक पैमाना में चेंज करेंगे तो मीटर को तो मीटर रहने देते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करना होगा, मतलब 300 ना चिपका देते हैं और ये भी हो गया मीटर और गुणे हो गया 100 और ये प्रतिशत में आपका आंसर होगा। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 0 तो कट गया, क्लियर है, 3 0 तो मेरा कट गया और प्रतिशत 1/10 बचा है। अगर 10 से भाग 1 में देंगे तो आएगा 0.1%, जो कि मेरा सही हो जाएगा, 0.1% आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो रहा है, ए, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एलसीएम का, यहाँ पे निकालना है एलसीएम चूंकि हमारा है 8, 12, 20 तथा 36 का लॉसर निकालना है, तो 8, 12, 20 तथा 36 का लॉसर देखेंगे, मुझबानी भी निकाल सकते हैं वरना आप जैसे भी निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम 8 देखेंगे, अगर बिरादरी वाद से देखते हैं तो 8 2 का बिरादरी है, बिल्कुल सही। 12 में 3 छिपा हुआ है, 3 को ले लिया और 36 में तो 9 छिपा था, इसलिए 3 को न लेकर के 3 की बिरादरी 9 सबसे ज़्यादा 36 में छिपी है और 20 में क्या छिपा है, 5, तो गुणा कर लेंगे 5 × 48, 9 × 4 = 36। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है आपको तो आप इसको एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, काफ़ी आसान है, एलसीएम सबको आता होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अप्लीकेशन है, इसका प्रयोग है। यहाँ पे बोला है कि इस त्रिभुज का मतलब 11 है, तो कोई बात नहीं, 2 गुणते दिया है त्रिभुज तो त्रिभुज की जगह 11 रख दे। फिर कह रहा है इसका करो स्क्वायर और भाग दो त्रिभुज से, त्रिभुज से दोगे तो मतलब 11 से दोगे, 11 × 22 और 22 का स्क्वायर का मतलब 22 × 22 और भाग का मतलब बटा कर देते हैं तो 11 × 22 और 22 × 2 हो जाएगा 44, जो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। 57 क्वेश्चन कह रहा है राजू कोई लड़का है, राजू के घर से उसके स्कूल की दूरी 15 किलोमीटर है, वह किस चाल से चले कि 90 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगा। चाल निकालना है तो चाल बराबर सबको पता है कि चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है भाई। दूरी कितना बता रहा है, दूरी बता रहा है 15, समय कितना बता रहा है 90 मिनट, ये मिनट बताया, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 2 = 6, ठीक है, 2 को ऊपर लेते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 15 पलट जाएगा ना, 2 और नीचे 3 है, तो 3 × 5 = 15 और 5 × 2 क्या होगा 10, तो विकल्प में कहीं 10 नज़र आ रहा है क्या, देखते हैं, विकल्प में 10 आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि नीचे वाले को घंटा में चेंज कर दिया था। आगे आते हैं निम्नलिखित में सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसे दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होगा जिनका कि मौसम निकाले तो एक आए, मतलब उन दोनों को काटने वाला एक के अलावा कोई और न हो। यहाँ पर तो दोनों को 3 काट देगा, यहाँ पर 13 से ही दोनों कट रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों को 3 काट देगा, लेकिन 8 और 15 ऐसे नंबर हैं जिनको एक के अलावा कोई नहीं काटेगा और ये आपकी सहभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कह रहा है राम एवं सुरेश किसी काम को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया जा चुका है, ऐसा मिले तो तुरंत इनको पलट के भी रख सकते हैं, कई मेथड बताए हैं, 1/8, 1/12 कर लेंगे। राम चूंकि 8 दिन में कर रहा है तो एक काम 1/8 दिन में, एक दिन में 1/8 भाग करेगा और
मोहन चूंकि 12 दिन सुरेश 12 दिन में कर रहा है तो एक भाग 1/12 दिन। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 8/12 का 24 हो जाएगा, 8 3 के 24, 3 1 3, 12 2 के 24, 12 2 के यहाँ पे हो जाएगा 24, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5/24। ये चूंकि भाग है, भाग को पलट देते हैं तो काम हो जाता है, यहाँ 24/5 कर देंगे और 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 24, यहाँ पे आ जाएगा 4 सही 4/5। ध्यान दीजिएगा 4 सही 4/5 विकल्प नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे सही। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 8/3 है, तो अगर चौड़ाई को हम बी मान लें तो लंबाई हमारी हो जाएगी 8b/3, ठीक। और परिमाप बोला है, यदि आयत का परिमाप 66 है तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप चूंकि 66 दिया है और 2 हमारा यहाँ पे लंबाई हम देख लेते हैं तो लंबाई हमारी है 8b। अभी यहाँ पे देख पाएंगे आप, लंबाई निकाला हूँ 8b/3, चौड़ाई को तो b ही माना था तो यहाँ 2 से काट लूँगा, ये तो 33 हो गया। अगली लाइन में यहाँ पे साल्व कर लेता हूँ 3 का, तो 3b और 8b, ये यहाँ पे एलसीएम लेके हल करूँगा तो 3b और 8b, ये 11b/ हो जाएगा आपका 3, और इधर क्या देख रहे हैं 33। अगर 33 को 11 से काटूंगा तो 3 बार में और 3 3 के 9, तो b बराबर हम क्या पा रहे हैं 9 पा रहे हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई कि b बराबर हमारा 9 आ गया। अगर b बराबर 9 आ गया तो l बराबर भी निकाल लेंगे, क्योंकि l का मान 8b/3 है, तो l बराबर हो जाएगा 8 × 3, कितना भाई 8/3 × 9, तो 3 3 के 9 और 8 3 के 24, यहाँ पे आपको लंबाई आ गई 24। तो आइए लंबाई अगर हमारी 24 है, एक मिनट, लंबाई 24 है, ठीक है, और हमारा चौड़ाई आया था 9, तो 9 चौक को 36, चूँकि क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है कि लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई का अगर हम गुणा कर दें तो 9 चौक को 36, 9 2 के 18 और ये आपका हो जाएगा 3 21, और 216 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मैथ के भी 20 क्वेश्चन हमने देख लिया, मैथ के भी 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हमको देखने हैं हिंदी पार्ट, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन हम अभी देख लेते हैं। तो अब हिंदी वाले पार्ट को देख लेते हैं। हिंदी वाले पार्ट में भी हमारे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 4 पार्ट दिए गए होंगे, 4 अनुच्छेद, एक अनुच्छेद में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। अनुच्छेद पहला दिया हुआ है, क्या दिया है जरा इसको देखते हैं। एक दिन तानसेन ने अपने गुरु का सिखाया हुआ गीत गाया और जानबूझकर गलत सुर लगाया, इसका महात्मा पर बिजली का सा असर हुआ, उनके सौंदर्य बोध को गहरा धक्का लगा, वह तानसेन की ओर मुड़े और उसे फटकार लगाते हुए कहा, तानसेन तुम्हें क्या हो गया है, मेरे शिष्य होकर तुम इतनी भूल करते हो। तब वह स्वयं उस अंश को ठीक ठीक गाने लगे, भाव उन पर उतर आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया, उस संगीत में वह स्वयं को भूल गए जो धरती और आकाश में छा गया था, और अकबर तथा तानसेन भी उस संगीत के माधुर्य और सौंदर्य से भर गए थे। ये आपका यह एक अनोखा अनुभव था। जब संगीत थमा तो अकबर तानसेन की ओर मुड़ा और बोला, तुम कहते हो कि तुम इस संत से संगीत सीखा, किंतु लगता है कि तुम इनमें जीवंत सौंदर्य को नहीं सीख पाए, आत्मा को झकझोर देने वाले इस संगीत के सामने तुम्हारा संगीत भूसे सा लगता है। आइए अब इन पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसका महात्मा पर बिजली का सा असर हुआ, यहाँ महात्मा से तात्पर्य है, यहाँ महात्मा से क्या तात्पर्य है भाई, तानसेन का गुरु। तानसेन के संगीत के लिए अकबर ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तानसेन के संगीत के लिए अकबर ने किस शब्द का प्रयोग किया था, आपने ऊपर देखा होगा, उसने बोला था झकझोरने वाला,
झकझोर देने वाला संगीत के सामने ना, आत्मा को झकझोर देने वाला संगीत ना, तो यहाँ पर उनके संगीत को बोला था झकझोरने वाला। ठीक है, यहाँ पर 62 वाला आपका 62 का क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। तानसेन के संगीत, सॉरी यहाँ पे बोला है तानसेन के संगीत के लिए अकबर ने किस शब्द का प्रयोग किया। झकझोरने वाला प्रयोग अकबर ने किया था किसके लिए, उसके गुरु के संगीत के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि तानसेन के संगीत के लिए, तो यहीं पर आगे लिखा हुआ है कि आत्मा को झकझोर देने वाले इस संगीत के सामने तुम्हारा भूसे सा लगता है। मतलब तानसेन वाला भूसे सा था और उसके गुरु का झकझोरने वाला था। यहाँ पर पूछा जो है तानसेन के संगीत के बारे में, तो आंसर आपका भूसा वाला सही होगा, जो विकल्प नंबर कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान देना, गलती हो जाएगी। तानसेन के गुरु ने उसे फटकार लगाई क्योंकि वह उसने गलत सुर लगाकर गीत गाया था। जी बिल्कुल, यहाँ पर उसने क्या किया था, गलत सुर लगा के गीत को गाया था। 63 का आपका बी राइट हो जाएगा। तानसेन ने संगीत में अकबर को क्या कमी प्रतीत हुई थी, तानसेन के संगीत में अकबर को क्या कमी, जीवंत सौंदर्य नहीं उसमें डाला था, ये सी। इस शब्द पढ़ेंगे तो उसमें आया होगा कि जीवंत सौंदर्य तुम डालना भूल गए थे। आगे आते हैं, अकबर बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये है 65 नंबर। 65 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि तानसेन खाली स्थान तुम इतनी भारी भूल करते हो, भारी का क्या तात्पर्य है, 12 दर्जन सख्त दिल को चोट पहुंचाने वाला तराना, तो 12 दर्जन तो कभी होगा नहीं, ये तो गलत बात है। तो 65 का हम देख पाएंगे दिल को चोट पहुंचाने वाला, यहाँ पे है सख्त भी नहीं होगा, तराना भी नहीं होगा। तानसेन तुम इतनी भारी भूल, भारी का मतलब यहाँ पे है दिल को चोट पहुंचाने वाला भूल। आगे चलते हैं और अगला हम पैसेज पढ़ते हैं, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार मालवा में एक राजपूत राजा रहता था। उसका राज्य छोटा, हलचल रहित और शांतिपूर्ण था। विशेष लड़ाइयाँ या राजनीति समस्याएं नहीं थीं, इसीलिए उसके जीवन का एक उद्देश्य था अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना। एक साल वहाँ बड़ा सूखा पड़ा, खेत सूख गए और चटक गए, पेड़ गंजे हो गए, धरती पर किसी भी प्रकार के फूल फल या फसलें नहीं बची। राजा चिंतित था अपनी प्रजा को दुर्भिक्ष से कैसे बचाया जाए। वह नर्मदा नदी के पास गया, झुका और प्रार्थना की, हे पवित्र नर्मदा, हमें वर्षा का वरदान दो, मेरी प्रजा को दुर्भिक्ष से बचाओ, मैं तुम्हें अपना पहला बच्चा दान दे दूंगा। आगे, थोड़े ही समय में आकाश बादलों से घिर गया और भारी वर्षा हुई। गीली धरती पर हल चलाया गया, बीज बोए गए और कुछ ही महीने बाद भरपूर फसल हुई। लोगों ने खूब आनंद मनाया। अब यहाँ पर आपके प्रश्न आ गए हैं, जरा प्रश्न को देखेंगे पैसेज को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 66 से, जो दिया गया है कि राजा की समस्या क्या थी, लड़ाइयाँ, राजनीति, दुर्भिक्ष थे। अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि राजा की समस्या क्या थी। तो यहाँ पे लिखा गया था कि अपनी प्रजा को दुर्भिक्ष से कैसे बचाएं, दुर्भिक्ष से बचाना था, ये समस्या उसकी थी। लड़ाइयाँ तो वो लड़ लेता है ना। आगे आते हैं, राजा क्यों कैसा कि जो लड़ाई न लड़े, तो यहाँ पे दुर्भिक्ष है। किस कथन से प्रकट होता है कि राजपूत राजा अपनी प्रजा को प्यार करता था, तो पहला कथन को ध्यान से देखेंगे। लिखा है राजा ने अपने पहले बच्चे को नर्मदा को दान दे दिया। पहला था क्या, राजा ने अपने पहले बच्चे को नर्मदा को दान दे दिया। दूसरा विकल्प यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा होगा ऊपर, उसने अपनी प्रजा के लिए अन्न के सरकारी भंडार खोल दिए, अपने पड़ोसी राज्यों पर दबाव डाला कि वे भोजन का दान करें, और अगला है भूखों को भोजन कराने के लिए उसने सहायता शिविर। ये तो तीनों बातें जो आपकी लग रही हैं काफ़ी आम बातें हैं, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर राजा ने जो काम किया था पहला, कि उसने अपने बच्चे को
क्या किया था, राजा ने अपने पहले बच्चे को नर्मदा को दान दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह से कह रहा है, पता चलता है कि राजपूत राजा अपनी प्रजा को कितना, तो विकल्प नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं ना, 68 क्वेश्चन की बारी है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे तो ये होगा, जब सूखा पड़ता है तो बहुत वर्षा होती है, धरती सूख जाती है और चटक जाती है, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, लोग बीज बोते हैं। जब सूखा पड़ता है तो धरती सूख जाती है और चटक जाती है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, 69 क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, 69वां क्वेश्चन आपका होगा, इसमें आपका था बी वाला राइट। 69 में राजा ने नर्मदा से प्रार्थना की अनाज के लिए, दुर्भिक्ष के लिए, एक बच्चे के लिए, वर्षा के लिए। तो राजा ने नर्मदा से प्रार्थना जो की थी वर्षा के लिए की थी। आगे है, लोगों ने आनंद कब मनाया, अन्न की उपज होने पर, वर्षा होने पर, बादल घिरने पर, बीज बोने पर। तो लोगों ने खुशियाँ मनाई थी जब अन्न की उपज हुई। आगे चलते हैं, अगला अनुच्छेद देखते हैं जो कि अनुच्छेद आपका 3 है। दो मित्र जंगल में थे, जब उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आते देखा, बड़ा लड़का डर कर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने मित्र को भूल गया, उसने अपने मित्र को भूल गया। छोटा लड़का जो ठीक से चढ़ नहीं सकता था, धरती पर लेट गया और मरे होने का बहाना किया। भालू आया और उसके चारों तरफ घूमा, उसने अपना चेहरा बच्चों के चेहरे के काफ़ी निकट लगाया, उसे सूंघा, देखा और अंततः उसे छोड़कर चला गया। बड़ा लड़का पेड़ पर उतरा और उसने अपने मित्र की ओर दौड़ा और उससे पूछा, क्या तुम ठीक ठाक हो, भालू क्या कर रहा था, वह बड़ी देर तक तुम्हारे निकट था। मित्र ने उत्तर दिया, वह मुझसे बातें कर रहा था, उसने मुझे कुछ अच्छी राय दी, उसने कहा ऐसे मित्र का भरोसा मत करो जो संकट के समय तुम्हारी मदद न करे। आइए देखते हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग था ये काफ़ी। बड़ा लड़का पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह जंगल में अकेला था, वह भालू से बचने अपने को बचाना चाहता था, वह पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता था, उसने सोचा वह भालू को आसानी से गोली मार देगा। नहीं जी, वह भालू से अपने को बचाना चाहता था, विकल्प नंबर बी आपका राइट है। मरे होने का बहाना किया, क्या आशा था, ऐसा दिखा जैसे मर गया हो, भयभीत हो गया हो, धरती पर चित पड़ गया, ऐसा दिखा जैसे मर गया हो, तभी तो भालू ने उसे छोड़ दिया। तो 72 का आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला है 73वां क्वेश्चन हम देखते हैं, 73 क्वेश्चन आपका दिया है, भालू ने छोटे लड़के को कोई हानि नहीं पहुँचाई क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ा, हुआ लड़के से डर गया, उसे दया आ गई, उसने सोचा लड़का मर गया। जी बिल्कुल, उसने सोचा लड़का मर गया, फिर मरे हुए को क्या खाएं। कहानी में चालाक कौन निकला, भालू, बड़ा लड़का, बड़ा लड़का हुआ भालू, छोटा लड़का, जी बिल्कुल छोटा लड़का ही चालाक था वहाँ पे, क्योंकि वह आसानी से अपने आप को नहीं भी चढ़ पाया पेड़ पे, तो ही बचा लिया। आगे है 75वां क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, इसको देखेंगे आप, 75 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 75 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी की सीख है, जो संकट के समय धोखा न दे वही सच्चा मित्र है, जो अपने हितों की रक्षा के करे वही सच्चा मित्र है, जो सदा मीठा व्यवहार करे वही सच्चा मित्र है, जो खुशी के दिनों में आपके पास रहे वही सच्चा मित्र। नहीं, जो संकट के समय, जो संकट के समय धोखा न दे वही सच्चा मित्र है, विकल्प नंबर ए आपका सही है। आगे एक अनुच्छेद दिया है, चौथा लास्ट होगा अनुच्छेद, स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बड़े उपयोगी हैं। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाती है तो काली मिर्च के साथ 5-7 पत्ते घोट कर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसके पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है, इसीलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद इसे नियम से जल देती हैं और तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखना वे अपना धर्म समझती हैं और उसकी पूजा करती हैं।
उसकी पूजा करती हैं। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम की पत्तियां जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी नवीन कपोलें चबाने या घोट कर पीने से खून साफ हो जाता है। पत्तियों को पानी के साथ उबाल कर उस पानी को स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76, इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा होगा। भगवान के प्रसाद में तुलसी के पत्ते को क्यों डाला जाता है? भगवान को तुलसी के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं? नहीं जी, तुलसी को भगवान का वरदान नहीं जी। तुलसी के पत्तों का गंध रोग नाशक है, ऐसा नहीं है। तुलसी के पत्तों में रोग के कीटाणुओं का विष दूर करने की क्षमता है जी। बिल्कुल डी विकल्प राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सर्दी जुकाम में क्या उपयोगी है? तुलसी के पत्तों को अदरक के साथ? नहीं जी, गलत। तुलसी के पत्तों को काली मिर्च के साथ घोट कर पीना जी, बिल्कुल सही लिखा भी इसमें है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, खून साफ करने के लिए क्या उपयोगी है? तुलसी के बीजों को घोटकर पीना? नहीं। नीम के छाल को घोटकर पीना? नहीं। तुलसी के नए कपोलों को चबाकर या घोटकर पीना? नहीं। नीम के नए कपोलों को चबाकर घोट जी, बिल्कुल डी वाला विकल्प राइट है। आगे चलते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। बीरवा के लिए दूसरा शब्द अनुच्छेद में क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। पौधा धर्म शक्ति प्रसाद जी। बीरवा मतलब पौधा, तुलसी के पौधे को औरतें जब पूजा करती हैं उसी को कह रहा है कि बीरवा, तो तुलसी के पौधे को ही, तो पौधा दूसरा शब्द बीरवा के लिए उपयोग में लाया गया है। अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। लाभदायक पेड़ पौधे जी, बिल्कुल हो सकता है लाभदायक पेड़ पौधे, क्योंकि नीम और तुलसी जो थे दोनों लाभदायक थे। घर का वैद्य ये भी हो सकता है, पेड़ पौधों से चिकित्सा ये भी हो सकता है, पेड़ पौधे एवं रोग ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है? अगर लाभदायक पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या और कोई पेड़ पौधा लाभदायक नहीं है? हो सकता है घर का वैद्य जी, बिल्कुल ये राइट सबसे उपयुक्त लग सकता है, पेड़ पौधे से चिकित्सा जी, हाँ ये भी सही है, बट घर का वैद्य यहाँ पे सबसे उपयुक्त आपका होगा। पेड़ पौधे एवं रोग, तो और रोग भी हो सकते हैं और पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन पेड़ पौधे से चिकित्सा और घर का वैद्य ये दोनों थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसमें घर का वैद्य ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारे घर पर दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो घर का वैद्य आपका विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा टोटल 80 प्रश्न और लास्ट में जो था 20 प्रश्न हमारे हिंदी से रिलेटेड थे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपका जो भावी एग्ज़ाम है 20 तारीख को वो अच्छा बीते, ये हम